हेलो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम माँ भारती के श्री चरणों में कोटिश वंदन करती हूँ। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस के इस 74वें वर्ष पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत ही अनमोल महोत्सव है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा संविधान लिखा गया था और हमें उसी संविधान के चलते आज तक भारतवर्ष पुनः विभाग की ओर आगे बढ़ रहा है। आप सभी को एक बार पुनः बसंत महोत्सव की भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन भी बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ बसंत महोत्सव भी है। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे सेना के जो जवान हैं, जो हम रात दिन चैन की नींद सोते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से हम आज इस देश में सुरक्षित हैं। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय सुनील जी किनोरिया का स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हमारे बीच में, मतलब कि हम इनके सानिध्य में बैठे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। साथ ही एक बार जोरदार तालियों से हमारे स्कूल के डायरेक्टर महोदय आदरणीय उमेश किनोरिया जी का भी स्वागत अभिनंदन करिए। साथ ही वार्ड क्रमांक 4-3 के पार्षद आदरणीय रामजी धनगर का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारी बेटी जाह्नवी धनगर का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दो लाइन में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। आप इस देश के वो भविष्य हैं, जो कि इस देश को आजाद कराने में कई पुरखों ने अपने प्राण गंवाए। आप सभी इस भारत देश का उज्जवल भविष्य हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। बोलोगे एक बार, गाओगे? नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। पुनः आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।